Today we are going to start chapter number 1, volume 1, that is Partnership Not-for-Profit Organization. It is very important chapter, total CBSE mein 10 mark ka question hai. Is chapter mein se 3 main questions aate hai, ek long question aata hai 6 number ka, then 1 3 mark question and then 1 mark question. So let us discuss the meaning and concept of Not-for-Profit Organization. Enterprises are profit-earning entities since their main objective is to earn profit. In contrast to these entities, there are also not-for-profit organizations whose main aim is not to earn profit but to serve the society and its members. Generally, हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई company बनती है, उनका main objective यही होता है कि maximum profit earn करना. But कुछ इसके opposite भी होती है, contrast भी होती है, contrary भी होती है, जिनको हम बोलते हैं not-for-profit organization. जैसे नाम से क्लियर है नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी. इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना या अपने मेंबर्स के लिए कुछ करके दिखाना. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO आर द नेट सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक and or members a sector not with the purpose of earning profit. NPO not for profit organization का main objective यही होता है कि ये culture को promote करती है, education को promote करती है, health को promote करती है, religious को promote करती है, public services को promote करती है, public में या अपने members में. but इनका main objective ये होता है कि इन्होंने welfare करना है, इन्होंने profit earn नहीं करना. main objective इनका यही है. Example of such organizations are school, colleges, public hospital, literary societies, society for promotion of sports, art and culture, social welfare organization, clubs etc. So ये कुछ example है, जैसे कोई school हो गया, college हो गया, hospitals हो गया. ये सभी का main objective यही होता है कि लोगों का welfare करना, society की development करनी, profit earn करना इनका main objective नहीं होता. Funds are required for the activity of not-for-profit organization are normally sourced by its member, trustees etc. as donation, membership fees and subscription. अब not-for-profit organization में काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा हमारे पास कहाँ से main आता है? जब कोई इसका member बनता है वो पैसे लेकर आता है, या जो इसकी कमेटी होती है, ट्रस्टी होता है, वो पैसे देता है, या डोनेशन के तौर पे पैसे मिल जाते हैं, या मेंबर बनने के लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, वहीं से हम पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जो NPO है वो काम करती है और लोगों का वेलफेयर करती है. फंड्स आर रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मे बी, कैसे कैसे फ़ंड कहाँ कहाँ से किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं. सबसे पहले इनका मेन सोर्स होता है डोनेशन. कोई डोनेशन दे देगा तो इनके पास पैसे आ जाएंगे. मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस, कोई भी पर्सन इसका मेंबर बनना चाहता है तो उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी. सब्सक्रिप्शन, लोन, ग्रांट, गवर्नमेंट पैसा दे देती है, कहीं से लोन मिल जाता है. तो ये सभी सोर्स है जहाँ से ये अपना पैसा जो है इकट्ठा करते हैं और जो NPO का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों का वेलफेयर वो पूरा करते हैं. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट इज एंटिटी. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर. प्रमोटर्स से लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है NPO की. जैसे कंपनीज के केस में होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मालिक की अपनी पहचान, बिजनेस की अपनी पहचान. पर्पस, इसका मेन पर्पस यही होता है कि इसने कल्चर, एजुकेशन, रिलीजियस, प्रोफेशनल या सर्विसेज को प्रमोट करना होता है पीपल एट लार्ज. थर्ड इज ऑनरशिप. ये जर्नल एक चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट इसको बनाता है. ये कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं इसको चलाता, ये जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो इसको चलाते हैं. सोसाइटी में से कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो है NPO एस्टेब्लिश करते हैं, उसको मिलकर चलाते हैं. देन फोर्थ इज प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है ये कभी सरप्लस अर्न नहीं करेंगे. इनको भी सरप्लस चाहिए होता है सो दैट कि अभी अपने एसेट्स को खरीद सकें, अपने जो काम काज है उसको कंटिन्यू कर सकें. बट जो सरप्लस होता है वो मेंबर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता. जो भी ये पैसा कमाएंगे वो NPO के पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, नॉट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मेंबर्स. देन इट इज़ मैनेजमेंट. जो लोग इसको चलाते हैं, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इसको चलाते हैं, उसको हम ट्रस्टीज या मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं.
देन इट इज फंड. फंड फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय द मेंबर्स और डोनर्स एज एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन. इट इज सप्लीमेंटेड बाय द सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन. जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि जो पैसा होता है वो इसके मेंबर्स देते हैं, या हमें डोनेशन मिल जाती हैं कि जो भी इसका कोई मेंबर बनना चाहेगा तो उसको थोड़े से पैसे लेकर आने पड़ेंगे. वो पैसे लेकर आएगा तो फिर उसी पैसों के साथ या किसी ने हमें डोनेशन दे दी या थोड़ा बहुत हमने काम किया, हमें पैसा अर्न हो गया, सरप्लस अर्न हो गया, तो वही पैसा हम इकट्ठा करके बिजनेस को रन करेंगे. देन लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इज़ प्रिपेयर्ड इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ते थे, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनता. इसमें बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अकाउंट्स इन्होंने भी बनाने हैं, अकाउंट्स इनके भी चेक होते हैं, बट ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाते, इसलिए इनके अकाउंट्स बदल गए. इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस ये तीन अकाउंट्स ही आते हैं. हम सीखेंगे कि ये तीनों अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं. सो इसमें हम प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करते, इसमें हम सरप्लस और डेफिसिट जो है वो देखते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. द वेरी फर्स्ट इज पर्पस. जो NPO होता है वो एजुकेशन, रिलीजियस या प्रोफेशनल या पब्लिक सर्विस को प्रमोट करने के लिए बनता है, और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट. सेकंड इज सोर्स ऑफ फंड. जो NPO है उसमें हमें मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या इसके थ्रू पैसा मिलता है. इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज जर्नल फंड, कैपिटल फंड और कॉर्पोरेट फंड. सो जो भी हमारे पास फंड होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसों के साथ हम बिजनेस शुरू करेंगे, उसको यहाँ हम बोलते हैं जर्नल फंड, कैपिटल फंड या कॉर्पोरेट फंड. जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें या तो मालिक पैसा लेकर आता है जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, या वो मालिक उधार ले लेता है, बोरोड कैपिटल ले लेते हैं. जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एंड शेयर होल्डर आर शोन एज रिजर्व. जो उन सब प्रॉफिट का हिस्सा हम पार्टनर्स में नहीं बांटते उसको हम रिजर्व के तौर पे दिखा देते हैं. थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स आर, जो NPO है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बनाती है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. देन इट इज़ सरप्लस और प्रॉफिट. जो NPO है वो सरप्लस और प्रॉफिट डेफिसिट कैलकुलेट करती है. सरप्लस का मतलब होता है कि कई बार उसको ज़्यादा पैसे अर्न होते हैं या कई बार उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट इनकम उसको कम अर्न होती है, तो उसको हम डेफिसिट बोल देते हैं. प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये पता लगता है कि नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस. प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. बट NPO का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. अगर इनकम ज़्यादा हुई है तो सरप्लस, अगर खर्चे ज़्यादा हुए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो डेफिसिट. देन फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट. जो NPO होता है वो कभी भी अपना सरप्लस मतलब प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता. वो फर्म के बीच में ही इस्तेमाल होगा, NPO के वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल होगा. बट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मली हम जो है अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो उसको बैलेंस शीट में रिजर्व्स में दिखा देते हैं. Clear? So this was about difference between not-for-profit organization and profit-earning organizations. Then next is financial statements of not-for-profit organization. Not-for-profit organization prepare annual or final account showing the financial transaction of the organization of its member and to comply the statutory requirement. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये कंपलसरी है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाने हैं. ये लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी है, लॉ में बोला गया है कि बेशक आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी खोलो या लोगों की वेलफेयर के लिए खोलो, यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स. तो NPO में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट. जैसे हमने पहले डिफरेंस में भी सीखा कि इसमें ये अकाउंट बनते हैं और प्रॉफिट अर्निंग में बनते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. रिसिप्ट एंड पेमेंट बींग शोन अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स. इट बिगम विद ओपनिंग
कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश बुक ही एक तरह से बोलते हैं। जो कैश अकाउंट जैसे कैश बुक बनाई जाती है वैसे ही उसकी समरी होती है। इसमें हम एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं और उसमें जितने भी हमें रिसिप्ट हुई, मतलब जितनी भी इनकम हुई इसको रिसिप्ट में दिखा देते हैं, जितने भी खर्चे हुए वो पेमेंट साइड दिखा देते हैं। इसका एक ओपनिंग कैश बैलेंस भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी होता है। सिमिलरली अगर ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस भी होगा। रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड वेयर एज पेमेंट आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। रिसिप्ट को डेबिट साइड दिखाया जाता है, जो इनकम आती है वो डेबिट साइड, जो पेमेंट्स हो रही हैं, खर्चे हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम हर तरह का खर्चा दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने कुछ नहीं देखना, आपने बस इतना देखना है पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट आ रही है तो डेबिट साइड डाल दो, अगर पेमेंट्स हो रही है तो क्रेडिट साइड डाल दो। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल के खर्चे हैं कि नेक्स्ट ईयर के हैं, या कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। द नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर तो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन तो डेबिट साइड लिख लो, अगर क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड लिख दो। सिमिलरली इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, अगर बाय वाली साइड आता है तो सिंपल बैलेंस है, अगर टू वाली साइड आता है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। बाद में जितनी भी साल के दौरान हमें रिसिप्ट हुई है, इनकम हुई है, किसी भी ईयर की हो, इस साल की या नेक्स्ट ईयर की, सभी को हम टू वाली साइड लिख देंगे। जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं वो सारे बाय वाली साइड लिख देंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देन नेक्स्ट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अनदर अकाउंट है जो हम NPO में बनाते हैं। ये जो है इसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे और जिसका बैलेंस होगा वो सरप्लस या डेफिसिट आएगा। और अगर कंपनी की इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे। और इन केस अगर खर्चे ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कम होती है, तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे। क्लियर? अगर सरप्लस आता है तो वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, अगर डेफिसिट आएगा तो वो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसलिए इसमें कैपिटल नहीं होता। जो इसमें बैलेंस होगा, जिस पैसों के साथ हमने बिजनेस को शुरू किया है, उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। उसमें सरप्लस प्लस होगा, डेफिसिट माइनस हो जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट कि अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगे हैं तो हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को लेकर चलना है, रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को लेकर चलना है, हम सभी को इंक्लूड नहीं करेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमने दोनों को इंक्लूड किया था, वेदर द आइटम इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, हमने कोई डिफरेंस नहीं वहाँ किया। बट इनकम और एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स लेकर चलेंगे, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? ये वो वाले खर्चे होते हैं जो हर साल किए जाते हैं ताकि कंपनी जो है स्मूथली चलती रहे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, हम सारी एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। इसमें सिर्फ इसी साल के खर्चे, इसी साल की इनकम दिखाई जाएंगी, जैसे हमने प्लस वन में फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करते थे, इस केस में भी ऐसा होगा। सो इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जिसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको हम डेफिसिट या सरप्लस बोलेंगे। इसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं और इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स लेकर चलते हैं, हम कैपिटल नेचर के आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? देन नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप देख सकते हैं टू वाली साइड, डेबिट साइड हमने सारे खर्चे लिखे हैं और क्रेडिट साइड हमने सारी इनकम लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं कि अंदर हमने कुछ आइटम को प्लस माइनस किया है, जिसको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। और लास्ट में जो है सरप्लस या डेफिसिट आता है। अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो डेबिट साइड आपका सरप्लस आएगा, और अगर रिवर्स है तो क्रेडिट साइड आपका डेफिसिट आएगा। स्टार्टिंग में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बट लास्ट में हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, जो सरप्लस या डेफिसिट काउंट होता है। सभी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स इसमें दिखाई जाती हैं, जो हर साल होते हैं, और प्लस हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे हमने पहला पढ़ा कि हमें एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बैलेंस शीट बनती है। जो इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस आएगा, सरप्लस और डेफिसिट, वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। सो यहाँ NPO के लिए हमें बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होना बहुत ज़रूरी है। बट इन केस अगर हमें कैपिटल फंड नहीं गिवन होगा, तो पहले हमें ओपनिंग बैलेंस
बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम कॉर्पोरेट या जनरल फंड भी बोलते हैं, और फिर जो है हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सिंपल ही होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, जैसे हमने प्लस वन में अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी है। देन इट इज़ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसको लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, जितनी भी एसेट्स होंगी उनको एसेट साइड दिखा देंगे, और बैलेंस शीट का जो टोटल है लास्ट में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा गया बिल्डिंग फंड एंड स्पोर्ट्स फंड आर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फंड, क्योंकि जब भी हमें ये फंड मिला उसको बता दिया कि ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा, जब उसका यूज़ स्पेसिफिक हो गया तो वो अल्टीमेटली स्पेसिफिक फंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द वेरी फर्स्ट इज पर्पस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कैश और बैंक का बैलेंस देखते हैं, वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता लगता है। सेकेंड इज नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश नेचर का होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देन थर्ड इज फॉर्म। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट की होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट की होती है। इनकम और एक्सपेंडिचर में रिवर्स होता है, उसमें जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होता है, जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है। देन इट इज़ बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैश एट बैंक या कैश इन हैंड होता है, वेयर एज इनकम और एक्सपेंडिचर का या सरप्लस या डेफिसिट होता है, जो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल फंड में प्लस या माइनस होता है। फिफ्थ इज कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम दोनों आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, बट इनकम और एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। देन सिक्स इज पीरियड टू विच आइटम रिलेटेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कोई डिफरेंस नहीं करते किस नेचर की आइटम है या कब किसके पैसे मिल रहे हैं, करंट ईयर के, पास्ट ईयर के, हम सब कुछ लिख देते हैं। बट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर के इनकम देखते हैं, करंट ईयर के खर्चे देखते हैं, बाकी सब हम एडजस्ट करते हैं। देन सेवन्थ इज एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस में बनता है, इसलिए सेवन्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्रियूल बेसिस पे बनता है, इसलिए हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, प्री पेड, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ एडजस्ट होगा। एंड लास्ट इज डेप्रिसिएशन। जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स ही नहीं होती तो इसमें हम नॉन कैश आइटम की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। So this was about the theoretical part of chapter number 1, in which we discussed the whole theory of chapter number 1, that is NPA.